Assalamu alaikum. Good morning, students of class 3. Open your page number 17. On page number 17, today we work on question number 3 and question number 4. Okay? First of all, put your pencil in your hand and write down a complete date here. Student, question number 3 ke start lene se pehle, today we learn about greatest 2, 3 and 4 digit number and smallest 2, 3 and 4 digit numbers. Okay? सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी, देन हम क्वेश्चन नंबर 3 पे वर्क करेंगे. जब भी बात हमसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर्स की जाएगी, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि वहाँ पर आपके पास 2 डिजिट ही आएंगे. और ग्रेटेस्ट की बात की जाएगी तो आप कौन सा नंबर राइट करोगे? 99. ओके, कौन सा नंबर राइट करेंगे? 99. 2 डिजिट भी हैं और ये ग्रेटेस्ट भी हैं. तो इसी तरीके से जब भी आपसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर्स की बात की जाएगी तो वहाँ आप क्या राइट करोगे? 99, क्योंकि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में हमेशा 99 ही आता है. ओके, इसी तरीके से अगर आपसे बात की जाए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स, जब भी आपसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स की बात की जाएगी तो वहाँ आप क्या राइट करेंगे? 1, 0, 10, क्योंकि ये 2 डिजिट भी हैं और स्मॉलेस्ट भी हैं. ठीक है, जब भी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स की बात की जाएगी तो वहाँ आप क्या राइट करोगे? 10 राइट करोगे, लाइक दिस, क्योंकि जब भी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स की बात की जाएगी तो वो 10 ही कहलाता है. ओके, इसी तरीके से बात करते हैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स. जब भी आपसे बात ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स की जाएगी तो वहाँ आप क्या राइट करोगे? 999, क्योंकि ये 3 डिजिट भी हैं और ये ग्रेटेस्ट भी हैं. ठीक है, जब भी बात ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स की जाएगी तो वहाँ आप क्या राइट करोगे? 999. इसी तरीके से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स की बात की जाएगी तो वहाँ आप क्या राइट करोगे? 100. क्या राइट करेंगे? 100, यानी कि 100 राइट किया जाएगा जब भी बात स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की हो रही होगी. क्लियर है बात? इसी तरीके से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स की अगर आपसे बात की जाएगी तो आप वहाँ आप क्या राइट करके शो करोगे? 9999, क्योंकि ये 4 डिजिट्स भी हैं और ग्रेटेस्ट भी हैं. तो इसी तरीके से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स की जब भी बात आपसे की जाएगी तो वहाँ आप क्या राइट करोगे? 9999. क्लियर है बात? और लास्ट में जो मैंने राइट किया वो क्या क्या है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स, जब भी आपसे बात स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स की जाएगी तो आप वहाँ क्या राइट करोगे? 1000, यानी कि 1000 की बात की जा रही होगी वहाँ पर. ठीक है, अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब भी ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर्स की बात की जाएगी तो आप 99 शो करेंगे, जब भी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स की बात की जाएगी तो आप 10 शो करेंगे, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स की बात की जाएगी तो आप 999 राइट करेंगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स की बात की जाएगी तो आप 100, यानी कि 100 राइट करेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स की बात हो रही होगी तो आप 9999 राइट करेंगे, एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स की बात की जा रही होगी तो वहाँ पर आप क्या राइट करेंगे? 1000 राइट करेंगे. ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हो जितने डिजिट्स की मैं बात कर रही हूँ मैंने उतने ही डिजिट्स राइट किए. 2 डिजिट की बात हो रही थी तो 2 ही राइट किए, अगेन 2 की बात हो रही थी तो 2 ही राइट किए, इस तरीके से 3 की बात हो रही थी तो दोनों जगह 3 डिजिट्स ही राइट किए, 4 की बात हो रही है तो 4 डिजिट्स ही राइट किए. ठीक है, क्लियर है बात? आई होप आपको ये वाली बात मेरी अच्छे से क्लियर होगी. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या गिवन है? फिल इन द बॉक्सेस, यानी कि आपके पास जो गिवन बॉक्सेस है आपको उसको फिल करना है. ठीक है, द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इज 9, जो कि आपको ऑलरेडी राइट करके शो किया हुआ है. उन्होंने कहा द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि जब भी ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर की बात की जा रही होगी तो वहाँ क्या राइट करेंगे? 9 राइट करेंगे, जैसा आपके पास यहाँ शो हुआ हुआ है. ठीक है, दस 8th सक्सेसर इज, किसका सक्सेसर? जो आपके पास फर्स्ट बॉक्सेस गिवन है, ठीक है, उसका सक्सेसर राइट करना है. सक्सेसर मींस क्या होता है? सक्सेसर मीन फॉलो करने के होते हैं. ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास नंबर गिवन है आप उसकी फॉलो वाली वैल्यू राइट करेंगे, यानी कि उससे एक नंबर और राइट करेंगे. तो जब 9 के सक्सेसर की बात करेंगे तो बॉक्स में क्या आ जाएगा हमारे पास? 10. क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है. ठीक है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर जो नेक्स्ट बॉक्स गिवन है वो भी फिल है और वहाँ क्या राइट किया हुआ है? स्मॉलेस्ट राइट किया हुआ है. विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, जो कि क्या कहला रहा है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कहला रहा है. किसकी बात हो रही है? 10 की बात हो रही है. द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9, इट्स सक्सेसर इज 10. 9 का सक्सेसर क्या है? 10 है. विच इज़, जो कि क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है. ठीक है, जो कि क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है. इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे. द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात की जा रही होगी तो आप क्या राइट करोगे? जैसे कि मैं आपको यहाँ क्लियर कर चुकी हूँ, क्या राइट करेंगे हम? वहाँ 99, क्योंकि जब भी ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात की जा रही होती है तो वहाँ 99 राइट किया जाता है. ओके, इट्स सक्सेसर इज, अब आपको 99 का सक्सेसर राइट करना है. जब 99 से फॉलो की हुई एक नंबर आगे जाएंगे तो वो क्या हो जाता है? 100. क्या हो जाता है? 100. विच इज, जो कि क्या कहला रहा है? द डैश 3 डिजिट नंबर. कौन सा डिजिट नंबर कहलाता है?
डैश थ्री डिजिट नंबर कौन सा डिजिट नंबर कहलाता है? स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कहलाता है। क्यों स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कहलाता है? क्योंकि ये थ्री डिजिट है और ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है। तो क्या कहलाएंगे, यहाँ क्या राइट करेंगे? स्मॉलेस्ट। ओके, यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक। ठीक है, क्या राइट करेंगे? स्मॉलेस्ट, लाइक दिस। अगेन रिपीट कर रही हूँ, द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99, इट्स सक्सेसर इज 100, विच इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, जो कि क्या कहला रहा है? थ्री डिजिट नंबर कहलाते हैं। द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, अब ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर्स की बात हो रही है, जैसे कि मैं यहाँ क्लियर कर चुकी हूँ, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर्स में आप क्या राइट करोगे? हमेशा 999। इट्स सक्सेसर इज 999 का सक्सेसर क्या होगा, यानी कि एक नंबर अगर हम आगे चलेंगे तो वहाँ क्या राइट किया जाता है? इट्स सक्सेसर इज, यानी कि इसके एक आगे नंबर वाली वैल्यू राइट करनी, क्योंकि सक्सेसर नंबर हमारे पास वही होता है जो आपका गिवन नंबर है उसकी फॉलो वाला नंबर राइट करना होता है, यानी कि उससे एक आगे नंबर राइट करना होता है। तो क्या राइट करेंगे हम? 1000। ठीक है, 1000 है, क्योंकि 999 के बाद क्या आता है? 1000 आता है, विच इज द, जो कि क्या कहला रहा है? डैश फोर डिजिट नंबर। ये डैश फोर डिजिट नंबर्स कहलाते हैं। कौन से डिजिट नंबर कहलाते हैं? स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो हम बॉक्स में स्मॉलेस्ट राइट करेंगे, लाइक दिस। ओके, इट्स सक्सेसर इज 1000, विच इज द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। क्लियर है बात? अगेन रिपीट कर रही हूँ, द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999, इट्स सक्सेसर इज 1000, विच इज द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। क्लियर हो गई बात? यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्लियरली यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन नंबर फोर में आपके पास क्या गिवन है? आइडेंटिफाई द सर्कल नंबर, आपको आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है सर्कल नंबर की एज प्रेडेसर और सक्सेसर, या तो वो प्रेडेसर है या सक्सेसर है। देन पुट अ टिक, आपको एक टिक राइट करना है इन द बॉक्स के अंदर। सो फर्स्ट वन जो है आपको यहाँ राइट करके शो भी किया हुआ है, ताकि आपको बाकी के पार्ट सॉल्व करने में कोई कन्फ्यूजन आए। सबसे पहले मैं आपको ए पार्ट एक्सप्लेन करूँगी, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ए में आपके पास क्या गिवन है? 5697। आपके पास यहाँ टू नंबर्स गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हो, और वन नंबर पे जो है वो सर्कल हुआ हुआ है। आपको सर्कल नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि वो सेकंड वाले नंबर का प्रेडेसर है या सेकंड वाले नंबर का सक्सेसर है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो जब हमने दोनों नंबर्स को रीड किया, फर्स्ट वन जो है हमारे पास गिवन वो है 5698, और जो सेकंड गिवन है वो है 5697। ये 97 है और ये 98 है, तो इट मींस जो सेकंड नंबर है वो उसका फर्स्ट नंबर जो है वो उसका क्या है? सक्सेसर है। और इसी तरीके से उन्होंने सक्सेसर के बॉक्स में जो है इस तरीके से टिक किया हुआ है। क्लियर है बात? आप इसी तरीके से बाकी पार्ट भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ सेकंड बी पार्ट में आपके पास क्या गिवन है? 3110, ठीक है, कॉमा 3109। स्टूडेंट, जो सेकंड वन आपके पास नंबर गिवन है उस पे जो है वो सर्कल बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो हम जब दोनों नंबर को कंपैरिजन करेंगे तो हमें सबसे पहले ये क्लियर करना है कि ये इसका प्रेडेसर है या इसका सक्सेसर है, क्योंकि हमें सर्कल वाले को ही आइडेंटिफाई करना है। तो हम सेकंड वाले नंबर पे चलते हैं। सेकंड वाले नंबर पे हमारे पास क्या गिवन है? 3110, ये 10 है, जबकि 3109 गिवन है, यानी कि ये जो आपके पास नंबर गिवन है फर्स्ट वन, सेकंड उसका क्या है? प्रेडेसर है, क्योंकि वो उससे पहले वाला नंबर राइट किया। जब भी पहले वाला नंबर होता है तो प्रेडेसर आता है, और अगर जब भी जो है बाद वाला नंबर आता है, यानी कि आफ्टर नंबर आता है, तो इट मींस वो उसका सक्सेसर नंबर कहलाता है। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? प्रेडेसर नंबर की हो रही है। तो हम प्रेडेसर वाले बॉक्स में यहाँ इस तरीके से टिक राइट करेंगे। ओके, यू ऑल्सो राइट इन योर बुक विद मी। नाउ सी, सी में आपके पास क्या नंबर गिवन है? 4430, और सेकंड क्या गिवन है? 4429। स्टूडेंट, जो सर्कल आपके पास बना हुआ है उसकी अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें फर्स्ट वन वाली वैल्यू से, तो वो उसका प्रेडेसर कहला रहा है। कैसे? क्योंकि वहाँ आपके पास 30 गिवन है, जबकि यहाँ आपके पास 29 गिवन है। एक नंबर पहले की बात की जा रही है, बिफोर वाले नंबर की बात की जा रही है। जब भी बिफोर वाले नंबर की बात की जाती है, तो इट मीन्स वो जो है गिवन नंबर का क्या है? प्रेडेसर है। तो हम अगेन प्रेडेसर वाले बॉक्स में ही, थर्ड वन बॉक्स में प्रेडेसर के टिक राइट करेंगे, लाइक दिस। ओके, यू ऑल्सो राइट इन योर बुक विद मी। नाउ डी, डी में आपके पास क्या गिवन है? 9999, एंड सेकंड क्या गिवन है? 9998।
स्टूडेंट यहाँ जो आपके पास सर्कल बना हुआ है वो आपके पास फर्स्ट वन वैल्यू पे बना हुआ है, फर्स्ट वन नंबर पे बना हुआ है। अगर हम दोनों नंबर्स का कंपैरिजन करें तो सेकंड नंबर जो आपका एंड हो रहा है वो 98 पर हो रहा है, यानी कि 9 टेंस और 8 वंस पे हो रहा है, जबकि इसका एंड किस पे हो रहा है, 9 टेंस एंड 9 वंस पे हो रहा है। ये 98 है और ये 99 है। सो स्टूडेंट जिस पे सर्कल हुआ हुआ है वो सक्सेसर नंबर है किसका, गिवन नंबर्स का, जैसे कि यहाँ मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम सक्सेसर वाले बॉक्स में ही टिक राइट करेंगे। ओके, लाइक दिस यू आल्सो राइट विद मी इन योर बुक। नाउ ई, ई में आपके पास क्या नंबर गिवन है, 8119 एंड सेकेंड आपके पास क्या गिवन है, 8120। ठीक है, दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे तो फर्स्ट वन जो है वो सर्कल हुआ हुआ है और वो सेकंड वन का क्या है, प्रेडेसर कहला रहा है, क्योंकि वहाँ आपके पास 20 गिवन है और यहाँ आपके पास 19 गिवन है, तो हम प्रेडेसर वाले बॉक्स में टिक राइट करेंगे। ओके, लाइक दिस। अब तक जो हम बात कर रहे थे वो जस्ट फोर डिजिट नंबर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो भी नंबर यहाँ गिवन है वो फोर डिजिट नंबर्स ही गिवन थे। अब एफ से जो हम बात करने जा रहे हैं वो फाइव डिजिट नंबर्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ फाइव डिजिट्स गिवन है और यानी कि वैल्यू जो है 10,000 तक की जा रही है, तो उसको रीड करने का वे भी डिफरेंट है। मैं रीड भी करूँगी देन आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। एफ में हमारे पास क्या गिवन है, 21,490 और सेकेंड नंबर क्या गिवन है, 21,489। जब दोनों नंबर्स का कंपैरिजन आप करोगे तो आपको जो सर्कल वन जो है मतलब जो नंबर है जो सर्कल हुआ हुआ है आपके पास यहाँ पर, तो आपको उसको देखते हुए ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि आपके पास फर्स्ट वन जो वैल्यू गिवन है उसका प्रेडेसर है जो सर्कल हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपके पास 90 गिवन है और यहाँ आपके पास 89 गिवन है। इट मीन्स जो फर्स्ट वन वाली वैल्यू है, सेकेंड वाली वैल्यू, उसका प्रेडेसर नंबर है। ठीक है, तो हम किस पर टिक लगाएंगे, प्रेडेसर वाले बॉक्स पर टिक लगाएंगे, लाइक दिस। क्लियर है बात? नाउ जी, जी में आपके पास क्या गिवन है, 30,690 और सेकंड क्या गिवन है, 30,691। स्टूडेंट जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमें सर्कल वन को आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रेडेसर है या सक्सेसर है गिवन वैल्यू का। तो यहाँ आपके पास 90 गिवन है जबकि ये 91 गिवन है। सर्कल में आपके पास 91 है और सर्कल के विदाउट सर्कल जो है वो आपके पास 90 गिवन है। तो इट मीन्स जो आपके पास फर्स्ट वन वैल्यू गिवन है, सेकंड वन वैल्यू जो है वो उसका सक्सेसर है, क्योंकि वो उसके एक नंबर आगे की बात हो रही है, यानी कि फॉलो नंबर की बात की जा रही है जो कि सक्सेसर नंबर कहलाता है। ठीक है, तो हम कौन से बॉक्स में टिक लगाएंगे, सक्सेसर वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे, क्योंकि ये नंबर जो है वो इसका सक्सेसर है। ओके, नाउ एच, एच में आपके पास क्या गिवन है, 75,129 और सेकंड क्या गिवन है, 75,130। जब दोनों नंबर्स का कंपैरिजन करोगे तो सर्कल वन जो आपके पास नंबर है वो 129 है, यानी कि 129 पे स्टॉप हो रहा है, जबकि जो विदाउट सर्कल आपके पास गिवन है वो 130 गिवन है। तो इट मीन्स जो आपका सर्कल हुआ हुआ है वो प्रेडेसर नंबर कहला रहा है सेकेंड वैल्यू का, यानी कि सेकेंड नंबर का। ठीक है, तो हम प्रेडेसर वाले बॉक्स में ही टिक राइट करेंगे, लाइक दिस। क्लियर है बात यहाँ तक? नाउ आई, आई में आपके पास क्या गिवन है, 12,458 और सेकंड क्या गिवन है, 12,457। जब दोनों नंबर्स का कंपैरिजन करोगे जो सर्कल वन आपके पास है वो सक्सेसर नंबर कहला रहा है जो गिवन नंबर है, यानी कि जो सेकंड नंबर है उसका। क्यों? क्योंकि वहाँ आपके पास 457 गिवन है विदाउट सर्कल में और सर्कल में आपके पास 458 गिवन है। तो इट मीन्स ये सक्सेसर नंबर कहला रहा है सेकंड नंबर का। ठीक है, तो हम कौन से बॉक्स में टिक लगाएंगे, सक्सेसर वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे। ओके, नाउ जे, जे में आपके पास क्या गिवन है, 80,003 और सेकंड क्या गिवन है, 80,004। सो स्टूडेंट जब आप दोनों नंबर्स का कंपैरिजन करोगे जो सर्कल वन है वो सक्सेसर नंबर कहला रहा है सेकंड नंबर का। क्यों? क्योंकि वहाँ आपके पास वंस में 3 गिवन है जबकि आपके यहाँ पर वंस में 4 गिवन है। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो है सक्सेसर नंबर कहला रहा है किसका, सेकंड नंबर का। तो हम कौन से बॉक्स में टिक लगाएंगे, सक्सेसर वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे, लाइक दिस। क्लियर हो गई बात? सो स्टूडेंट यहाँ आपका पेज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रही है। ओके, टुडे क्लासेस फिनिश नाउ, थैंक यू।